दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए फ्रेश और कमाल के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सा होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम खरीदना सही है और कौन सा नहीं, और साथ ही हम आपको इंडिया के टॉप 3 बेस्ट होम थिएटर के बारे में भी बताने वाले हैं जिन्हें आप अपने लिए बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो इसलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने लिए एक बेस्ट होम थिएटर की चॉइस कैसे कर सकते हैं, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन सा होम थिएटर लेना सही है और कौन सा नहीं। कोई भी होम थिएटर खरीदने से पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको होम थिएटर में सबसे बेस्ट क्या सही है। अगर आपको डीजे सॉन्ग सुनना पसंद है तो आपको एक हैवी साउंड और हैवी बेस वाले होम थिएटर की जरूरत होगी। वही अगर आपको नॉर्मल टीवी वगैरह के लिए यूज करने के लिए सही है तो आपको एक नॉर्मल साउंड वाले होम थिएटर की जरूरत होगी। एक अच्छे होम थिएटर में एक अच्छा साउंड आउटपुट पावर होना चाहिए। साउंड आउटपुट पावर जितना ज्यादा होगा होम थिएटर उतना ही ज्यादा क्लीन और शानदार साउंड देगा। तो मेक श्योर कि आपको एक अच्छे होम थिएटर के साथ में एक अच्छा खासा साउंड आउटपुट पावर होना चाहिए। इसी के साथ होम थिएटर में अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे ब्लूटूथ, यूएसबी, ऑक्स केबल जैसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि आप उसे अपने मोबाइल वगैरह से आसानी से कनेक्ट कर सके। साथ ही आगे वीडियो में हम होम थिएटर के एक एक फीचर के बारे में बारीकी से बताने वाले हैं, जिससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा होम थिएटर लेना सही है और कौन सा नहीं। तो इसलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के हमारे टॉप 3 बेस्ट होम थिएटर के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हम आपको जो भी होम थिएटर बता रहे हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में हमने दे दिए, वहां से आप इन्हें डायरेक्ट अमेजोन से खरीद सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है सोनी का SAG404.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम विद ब्लूटूथ। सबसे पहले बात करते हैं इस होम थिएटर के सिस्टम और फीचर की, बाद में बात करेंगे इसकी कमियां और खूबियों की, और अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको ये होम थिएटर खरीदना सही है या फिर नहीं। इस होम थिएटर की बॉडी बनी हुई हैवी प्लास्टिक की, जो दिखने में बहुत ही शानदार लुक देती है। सोनी के इस होम थिएटर में लगी हुई है लिथियम की बैटरी, जो काफी पावरफुल होती है। साथ ही इस होम थिएटर में दिया गया ब्लूटूथ का सपोर्ट, जिसे आप इसे अपने मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और ब्लूटूथ वाले सभी प्रोडक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप इसको ऑक्स केबल और यूएसबी केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सोनी देता है इस होम थिएटर के साथ में 4 सैटेलाइट स्पीकर, जो कि काफी शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ में आते हैं और काफी शानदार साउंड भी प्रोवाइड करवाते हैं। इस होम थिएटर के साथ में आपको रिमोट भी मिलता है, जिसे आप इसे रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस होम थिएटर का आउटपुट पावर है 80 वॉट का। आपको बता दूं कि एक अच्छे होम थिएटर के साथ में एक अच्छा आउटपुट पावर होना चाहिए। होम थिएटर का आउटपुट पावर जितना ज्यादा होगा वो होम थिएटर उतना ही ज्यादा और अच्छा साउंड देगा। सोनी के इस होम थिएटर की इस समय कीमत है 8,490 रुपए। तो इसलिए बात करते हैं इस होम थिएटर की कुछ अच्छाइयां और कमियों की। इस होम थिएटर की अच्छी बात यह है कि इसके साथ में सोनी 4 सैटेलाइट स्पीकर देता है, जिससे आपको अलग से कोई भी स्पीकर खरीदने की जरूरत नहीं है, और ये स्पीकर काफी शानदार क्वालिटी के साथ में भी आते हैं। साथ ही आप इस होम थिएटर को ब्लूटूथ, वायरलेस और यूएसबी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप इसे अपने रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सोनी इस होम थिएटर के साथ में 80 वॉट का आउटपुट पावर देता है, जो कि थोड़ा सा कम है, जबकि इस प्राइस में आने वाले बाकी होम थिएटर इससे ज्यादा आउटपुट पावर देते हैं। और इसकी दूसरी कमी ये है कि ये मॉडल 2017 में लॉन्च हुआ था, लेकिन उसके बाद सोनी ने इस मॉडल में जरा सा भी बदलाव नहीं किया है, लेकिन फिर भी आज के समय में भी ये होम थिएटर काफी बेस्ट है।
इसलिए बात करती है कि आपको ये होम थिएटर लेना सही है या फिर नहीं। मेरे हिसाब से अगर आपको एक अच्छा आउटपुट पावर चाहिए तो मैं आपको आगे वीडियो में एक और होम थिएटर के बारे में बताने वाला हूँ, आपको उसके साथ में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको सोनी का होम थिएटर खरीदना है तो डेफिनेटली आपको इसके साथ में जाना चाहिए। इसके बजट के हिसाब से सोनी का ये होम थिएटर काफी बेस्ट है। साथ ही सोनी एक ट्रस्टेड और ब्रांडेड कंपनी है, इसके प्रोडक्ट काफी शानदार होते हैं। हालांकि इसकी प्राइस ज्यादा होती है मगर इसके प्रोडक्ट बहुत ही शानदार होते हैं। तो अगर आपको एक ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको डेफिनेटली सोनी के साथ में ही जाना चाहिए। हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है फिलिप्स का ऑडियो होम थिएटर। फिलिप्स के इस होम थिएटर की बॉडी बनी हुई हैवी प्लास्टिक से, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी को काफी पावरफुल और शानदार बना देता है। फिलिप्स के इस म्यूजिक सिस्टम में लगी हुई है लिथियम की बैटरी। इस होम थिएटर को आप SD कार्ड, USB केबल, ऑक्स केबल और ब्लूटूथ से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। फिलिप्स के इस होम थिएटर के साथ में आपको 2 साउंड बार मिल जाते हैं, जो काफी शानदार साउंड प्रोवाइड करवाते हैं। इस होम थिएटर का आउटपुट पावर 80 वॉल्ट्स का है, जो काफी शानदार साउंड प्रोवाइड करवाता है। और फिलिप्स के इस होम थिएटर के साथ में भी आपको रिमोट मिल जाता है, जिससे आप इसे बड़ी आसानी से ऑपरेट भी कर सकते हैं। फिलिप्स के इस होम थिएटर की इस समय कीमत है 6498 रुपए। तो इसलिए अब बात करती है कि आपको ये होम थिएटर खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 6000 के आसपास का है तो आप इसे बिल्कुल खरीद सकते हैं। इसका साउंड बहुत ही शानदार है, साथ ही मुझे इस होम थिएटर का डिजाइन और स्पेशली इसके साउंड बार बहुत ही शानदार और खूबसूरत लगे। साथ ही अगर हम इसे कंपेयर करें सोनी के होम थिएटर से तो लगभग वो सभी फीचर दिए गए जो आपको सोनी के होम थिएटर में मिलते हैं। जबकि सोनी के होम थिएटर की कीमत 8500 रुपए के आसपास की है, वही इसकी कीमत मात्र 6498 रुपए। अगर हम फीचर के हिसाब से देखें तो फिलिप्स का ये होम थिएटर काफी शानदार है। मैंने फिलिप्स के इस होम थिएटर का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इन्हें डायरेक्ट अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है बोट का होम थिएटर। बोट का ये होम थिएटर बना हुआ है प्लास्टिक की बॉडी से, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार और प्रीमियम है। साथ ही बोट के इस होम थिएटर में भी लगी हुई है लिथियम की बैटरी, जो काफी शानदार परफॉर्मेंस देती है। बोट के इस होम थिएटर को आप USB कार्ड, SD कार्ड, ऑक्स केबल और ब्लूटूथ से बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही कंपनी इसके साथ में रिमोट भी देती है, जिससे आप इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। बोट के इस होम थिएटर के साथ में आपको एक साउंड बार देखने को मिलता है, जो काफी शानदार और अच्छी क्वालिटी के साथ में आता है। वही बोट 120 वाट का आउटपुट पावर देता है, जो कि काफी जबरदस्त और शानदार है। साथ ही बोट इस होम थिएटर के साथ में 1 साल की वारंटी भी देता है। और इस होम थिएटर की इस समय कीमत है 5499 रुपए। तो इसलिए बात करती है कि आपको ये होम थिएटर खरीदना सही है या फिर नहीं। तो अगर आपका बजट 10000 तक का है तो आप इसे बिल्कुल खरीद सकते हैं। इस बजट में आने वाला ये होम थिएटर सबसे बेस्ट है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे सोनी के होम थिएटर से तो सोनी और इस होम थिएटर में बहुत ही बड़ा फर्क है। सोनी 80 वाट का आउटपुट पावर देता है, वही बोट 120 वाट का आउटपुट पावर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सोनी अपने साथ में 4 स्पीकर देता है, वही बोट इसके साथ में 1 साउंड बार देता है। सोनी ब्रांडेड कंपनी है तो उसके हिसाब से उसके प्राइस ज्यादा होते हैं। मगर अगर आप सोनी और बोट में से किसी एक को खरीदना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको बोट के साथ में ही जाना चाहिए। बाकी ये आपको करना है कि आपको कौन सा होम थिएटर खरीदना चाहिए। मैंने आपको सभी होम थिएटर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवाए, आप वहाँ पर जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिए और अच्छे लगे तो जरूर परचेज भी कीजिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।